मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित करें, क्या कुछ बोलना चाहते हैं? नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। मुझे पता है कि ये कठुमार विधानसभा ये वो विधानसभा है, जब मन में ठान लेती है ना तो ये विधानसभा उस व्यक्ति को भारी बहुमत से जिताने का काम करती है। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मैं अधिकतर को सभी को पहचानता हूं, आप सभी को जानता हूं, एक एक गांव को भी मैं जानता हूं, मैंने देखा है। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। लेकिन मैं इतना भी आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब आपकी कोई बात आई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कठुमर की हर बात को रखने का काम किया है, हर बात को रखने का काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी, 2014 से पहले भ्रष्टाचार की लेकर के क्या स्थिति हो रही थी, भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी घोटालाओं की खान ये कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आए दिन घोटाले पर घोटाले होते थे, जमीन में भी घोटाला होता था, पाताल में भी घोटाला होता था, आसमान में भी घोटाला होता था। लोगों के मन में यह जिज्ञासा पैदा होने लग गई थी कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है। यही नहीं मित्रों, आए दिन आतंकवादी आते थे, कहीं ना किसी बड़े शहर में बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। क्या 2014 के बाद कोई ऐसी घटना हुई है क्या? अरे बता तो दो मेरे भाइयों, 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? अगर घटना को अंजाम भी दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको घर में सबक सिखाने का काम किया, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमारे तुष्टिकरण के आधार पर चली है, इन्होंने हमेशा जातिवाद के नाम पर काम किया है, तुष्टिकरण के आधार पर काम किया है, भ्रष्टाचार के आधार पर काम किया है। इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली है तो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस। आपने देखा होगा कांग्रेस को की स्थिति जो हो रही है, अरे इन्होंने तो रामलला को भी काल्पनिक बता दिया था, अयोध्या को भी काल्पनिक बता दिया था, राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकरा दिया। ये राम की शक्ति को नहीं जानते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम की शक्ति को नहीं जानते तो कांग्रेस में से भी राम निकल गए। हम आप देखते हैं, आप देखते हो, हम तो किसान आदमी है, गांव में जब कोई क्वार के महीने में जब जोत चलती थी तो कोई बैल बोदा हो जाता था, गांव में जब वो होता था तो क्या कहते थे कि इसका तो राम निकल गया, कहते थे कि नहीं कहते थे? कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उससे भी कहते हैं, अरे क्या हो गया तेरा, तो राम निकल गया।
कांग्रेस का राम निकल गया। आप देख रहे हैं, कोई कहता है कि मैं तो चुनावी नहीं लड़ना चाहता था, कोई कहता है कि मेरे को तो जबरदस्ती लड़ा दिया, कोई कहता है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। आपने देखा होगा दो दो तीन तीन चार चार टिकट वापिस हो गए और एक जगह कांग्रेस ने फॉरम भर दिया। केंद्र की कांग्रेस कह रही है कि आप वापिस लीजिए, वो कह रहा है मैं तो वापिस नहीं लेता हूं। अब देखिए क्या स्थिति हो रही है, उसने वापिस नहीं लिया, कांग्रेस अपने हाथ का ही विरोध कर रही है कि उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए उस कांग्रेस का क्या होगा जो अपने आप में ही मने कर रही है बांसवाड़े के अंदर कि हाथ वाले को मत देना। ये स्थिति इसलिए क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। सुबह जब हम जगते हैं तो हमारे बुजुर्गों को, हमारे सम्मानियों को, हमारे से बड़े को सबसे पहले हम राम राम करते हैं। जिस राम को अस्तित्व मिटाने वाले ये लोग हैं, राम को काल्पनिक बताने वाले जो लोग हैं, राम निकल